शिक्षकों को दी बधाई। शिक्षक कठिनाइयों को सामना करने वाले छात्रों को करें तैयार। लखनऊ में शिक्षक सम्मान समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने पर सरकार का है जोर। और जम्मू कश्मीर में संचार सेवाएं हुई बहाल, ज्यादातर टेलीफोन एक्सचेंजों में काम शुरू, जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने की ओर। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। रूस और भारत की दोस्ती में कल एक नया अध्याय जुड़ गया। रूस के व्लादिवोस्तोक में रूस और भारत के प्रतिनिधिमंडल के बीच 20वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। शिखर सम्मेलन में विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाया गया, जिसमें दोनों के बीच रूसी सुदूर पूर्व में अंतर क्षेत्रीय सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने रक्षा समझौतों, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग यानी बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। रूस के संबंध में नया जोश दिखा जब प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। रूस के सुदूर पूर्व इलाके व्लादिवोस्तोक में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली बार यात्रा थी। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो दोनों देशों के बीच रिश्तों की अहमियत भी साफ दिखी। पहले हाथ मिलाया और फिर एक दूसरे को गले भी लगाया। झलक एक भरोसेमंद मित्र और रणनीतिक साझेदार की भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने उस पल को भी याद किया जब उन्होंने बतौर गुजरात मुख्यमंत्री रूस की पहली यात्रा की थी। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप न सिर्फ हमारे देशों के स्ट्रेटेजिक हितों को काम आई है, बल्कि इसे हमने लोगों के विकास और उनके सीधे फायदे से जोड़ा है। हमारे रिश्तों को हम राजधानियों के बाहर भारत के राज्यों और रूस के क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि एक और मैं लंबे अरसे तक गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं और राष्ट्रपति पुतिन भी रूस के रीजन्स की क्षमताओं और संभावनाओं को भली भांति जानते हैं। भारत रूस के बीच 20वीं वार्षिक शिखर वार्ता भी हुई। द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा वैश्विक मुद्दों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान के जिक्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि दोनों ही देश स्वतंत्र, सुरक्षित और अखंड अफगानिस्तान की कामना करते हैं। रूस और भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि दोनों ही देश किसी भी देश के आंतरिक मामले में किसी तीसरे देश के दखल के खिलाफ हैं। हम दोनों ही किसी भी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल के खिलाफ है। हमने भारत के फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट पर भी उपयोगी चर्चा की। 20वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में दोनों ही देशों के बीच कुल 15 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच एक संयुक्त घोषणा पत्र, साझेदारी और सहयोग की नई संभावनाओं को लेकर हस्ताक्षर भी किए गए। 15 समझौतों में सबसे अहम ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने से संबंधित करार रहे। अकेले 4 समझौते ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिनमें तेल और गैस क्षेत्र में दोनों ने एक दूसरे के यहाँ निवेश बढ़ाने का फैसला लिया है, तो रूस से भारत को LNG की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा व्यापार और निवेश को लेकर संयुक्त रणनीति, रूस निर्मित सैन्य हथियारों और यंत्रों के साजो सामान के संयुक्त उत्पादन को लेकर समझौता, ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, फिक्की और रूस कांग्रेस फाउंडेशन के बीच सहयोग को लेकर भी समझौते हुए। दूसरी ओर भूतल और परिवहन क्षेत्र, पोत परिवहन, सीमा उत्पाद शुल्क और साथ ही साथ व्लादिवोस्तोक से चेन्नई के बीच रूट तैयार करने, भूगर्भ विज्ञान, निवेश फंड और बिजनेस टू बिजनेस समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। हमारी मुलाकातें बहुत महत्वपूर्ण है और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। दोनों देशों के बीच यह 20वां एनुअल समिट है। पिछले लगभग 20 सालों में जब आपने रूस का किसी न किसी रूप में नेतृत्व किया है, तो इस व्यवस्था ने हमारे संबंधों को 21वीं सदी के अनुरूप ढाला है और उन्हें हमारे लिए ही नहीं,
विश्व के लिए प्रगति, शांति और स्थायित्व का एक विशेष कारक बनाया है। जो ये 15 समझौते हुए हैं वो दोनों देशों के रिश्तों को ना सिर्फ एक नए युग में लेकर जाएंगे बल्कि इससे दोनों मुल्कों की जनता को भी खास फायदा होगा। शिप निर्माण और नौवहन क्षेत्र के लिए अहम ज्वेज्दा शिपयार्ड का दोनों ही नेताओं ने दौरा किया। वहां पहुंचने के लिए एक अत्याधुनिक नाव में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सवार हुए। कई विषयों पर गुफ्तगू करते हुए वे पहुंचे ज्वेज्दा। ये रूस का सबसे बड़ा पोत निर्माण केंद्र है। सामरिक महत्व और देश के घरेलू पोत निर्माण उद्योग के लिहाज से प्रधानमंत्री का शिपयार्ड निर्माण केंद्र का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने लिखा कि ये शिपिंग क्षेत्र में योगदान और विकास को बढ़ावा देगा। यहां बनने वाले शिप से रूस आसानी से भारत के साथ साथ दुनिया को तेल और गैस निर्यात कर रहा है। Of Bolshoi Kamen, where the nuclear-powered submarine was modernized at some point that was adopted in 1988 to the Navy of India under the name of Chakra. That is also the place where the Indian crew of the submarine was trained. Not only does Russia supply armaments to India, together with Indian partners, we produce the state-of-the-art military-purpose products. We're implementing joint products on producing in India Kalashnikov small arms and Ka-226T helicopters and missile systems. Достигнутый уровень двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы к его дальнейшему. प्रधानमंत्री मोदी की व्लादिवोस्तोक की यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी लगभग साथ साथ ही रहे। दोनों नेताओं के बीच आपसी गर्मजोशी और तालमेल भी साफ नजर आया। जहां प्रधानमंत्री मोदी का पहला दिन द्विपक्षीय संबंधों पर रहा, वहीं दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी आर्थिक मंच पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। रूस के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्तोक में पांचवें पूर्वी आर्थिक मंच से इतर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया। गौरतलब है कि ये बैठक ओसाका में G20 शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स में G7 में नेताओं की मुलाकात के बाद हुई है। प्रधानमंत्री आज व्लादिवोस्तोक में आर्थिक मंच के पूर्व सत्र को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को विकसित करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर पूर्वी आर्थिक मंच भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत इस क्षेत्र में मानव संसाधनों और कृषि से जुड़े निर्यात की संभावनाओं को भी तलाश रहा है। उत्तरी सागर मार्ग के खुलने के साथ पूर्वी रूस अब अधिक सुलभ है और आर्कटिक से तेल और गैस की आपूर्ति की संभावना भी खुल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच में प्रमुख अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए मुझे आपका निमंत्रण बहुत सम्मान का विषय है। दोनों देशों के बीच सहयोग को एक नया आयाम देने के लिए यह एक नया ऐतिहासिक अवसर है। इस फोरम में भाग लेने के लिए मैं बहुत ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपकी इस दूरगामी पहल के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को विकसित करने की प्रतिबद्धता के मद्देनजर पूर्वी आर्थिक मंच भारत के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सुदूर पूर्वी क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध है। इस दिशा में कोकिंग कोयला, तेल और गैस, हीरे, लकड़ी और पर्यटन जैसे क्षेत्र भारत के लिए विशेष महत्व के हैं। भारत इस क्षेत्र में मानव संसाधनों और कृषि से जुड़े निर्यात की संभावनाओं को भी तलाश रहा है। उत्तरी सागर मार्ग के खुलने के साथ ही पूर्वी रूस अब अधिक सुलभ है और आर्कटिक से तेल और गैस की आपूर्ति की संभावना भी खुल गई है। पांचवें पूर्वी आर्थिक मंच के दौरान कई सत्रों का आयोजन होगा जिनमें भारत भी शामिल होगा। इनमें मुख्य है युवा शक्ति, डिजिटल व्यवस्था, यूरेशिया में मानव संसाधन तथा भारत रूस व्यापार संवाद। पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन सुदूर पूर्वी संघीय विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है जो रूस के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ छात्रों को कैंपस में ही विश्व मामलों का अनुभव करने का मौका दिया जाता है। अ सेकंड इमर्जिंग पिलर इज द व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम समिट
and the focus of the Prime Minister in seeing how we can build relations with the Russian Far East. We are looking at not just the energy sector here, we are looking at the resources sector, we are looking at the forestry sector, we are looking at the agricultural sector. साल 2015 से रूस हर साल पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन कर रहा है. भारत पूर्वी आर्थिक फोरम में नियमित रूप से उच्च स्तर पर राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराता रहा है. पूर्वी आर्थिक मंच के पिछले संस्करणों में पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 2018 में और पूर्व विदेश मंत्री ने 2017 में हिस्सा लिया था. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल डिफेंस डायलॉग में प्रमुख वक्ता के रूप में संबोधन दिया. अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि आज वैश्वीकरण की प्रक्रिया खतरे में है, जहां साइबर हमले में नई चुनौती दी है. उन्होंने कहा कि आज कोई भी देश आतंकवाद से अछूता नहीं है, इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों पर दबाव बनाया जाना चाहिए. सामने आने वाले सिक्योरिटी थ्रेट्स में सबसे बड़ा थ्रेट टेररिज्म है. हमें समझना चाहिए कि आज दुनिया का कोई भी देश टेररिज्म से सुरक्षित नहीं है. भारत ग्लोबल लेवल पर यूएन और अन्य इंटरनेशनल फोरम्स के साथ साथ बाइलेटरल और रीजनल फोरम पर भी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हेतु काफी सक्रिय है. हम कलेक्टिव एक्शन के माध्यम से ही टेरर ऑर्गेनाइजेशंस और उनके नेटवर्क्स को ध्वस्त करने, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले की पहचान करने और उनकी जांच करने में सक्षम होंगे. टेररिस्ट की सहायता करने और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने वालों तथा उनको सह देने वालों के खिलाफ भी हम कड़े कदम उठाएंगे. आज शिक्षक दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सभी शिक्षकों को बधाई दी है. उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों का हार्दिक शुभकामनाएं. देश डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जो एक असाधारण शिक्षक और मार्गदर्शक थे. 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है और देश उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है. वे जीवन में किसी भी स्थान पर पहुंचे, लेकिन अपने आप को उन्होंने हमेशा शिक्षक के रूप में ही जीने का प्रयास किया. और इतना ही नहीं, वो हमेशा कहते थे, अच्छा शिक्षक वही होता है जिसके भीतर का छात्र कभी मरता नहीं है. शिक्षक कभी उम्र से बंधा नहीं होता है. शिक्षक कभी रिटायर्ड हो ही नहीं सकता. विद्यार्थी का शिक्षक के प्रति आदर, शिक्षक का शिक्षा के प्रति समर्पण और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक अपनत्व का भाव, यही एक जोड़ी होती है जो न सिर्फ ज्ञान परोसती है लेकिन जीवन जीने की कला भी सिखाती है और सपने संजोने की आदत भी बनाती है. आज देश के सभी गुरुजनों को नमन करता हूं और सभी शिक्षकों से अपेक्षा करता हूं कि हमारा काम है पीढ़ियों को बनाना, पीढ़ियों को बढ़ाना. वही देश को बढ़ाएंगे, उस काम को हम सब मिलकर करेंगे. लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया. इसके अलावा प्रेरणा ऐप एवं वेब पोर्टल का लोकार्पण भी किया. इस ऐप के जरिए बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति से लेकर मिड डे मील तक की निगरानी की जा सकेगी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको बालक और बालिकाओं के अंदर परिश्रम का भाव पैदा करना होगा और उन्हें मुश्किलों का सामना करना सिखाना होगा. उन्होंने कहा कि आज बेसिक शिक्षा परिषद उस दिशा में अग्रसर है जहां वो अपने स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उन्हें एक स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित कर अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आमंत्रित कर सकता है. कार्यक्रम को हम बेसिक शिक्षा को देश के सामने एक मानक के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं. उस रूप में अगर आगे बढ़ सके बहुत बड़ा कार्य होगा और प्रेरणा ऐप आप सबको इसी के साथ जुड़ने के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा है. आप देखना प्रेरणा ऐप के बाद, लॉन्च होने के बाद आप इसके साथ जुड़े नहीं, मुझे लगता है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना स्मार्टफोन नहीं होगा.
हर एक के पास स्मार्टफोन आज के दिन पर मौजूद है। आप जाइए इस प्रेरणा ऐप के साथ जुड़िए और प्रेरणा ऐप के साथ जुड़ करके अपने विद्यालय के एक एक गतिविधि को जब भी आपसे अपेक्षा की जाती उस समय अगर आप उससे उसके साथ फिट कर देंगे, उसके साथ जुड़ जाते हैं, मुझे लगता है आप देखेंगे कि आज आपको दीक्षा चैंपियन अवार्ड मिला है, कल बेसिक शिक्षा परिषद आप सबके सहयोग से देश के अंदर सबसे अच्छा सबसे बड़ा तो है लेकिन सबसे अच्छा यानी शिक्षा केवल एक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से साक्षरता का माध्यम नहीं हो सकता बल्कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे होनी चाहिए उसका भी एक माध्यम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद बन सकता है और उस दिशा से हम सब की एक सामूहिक टीम को इस पर के साथ जुड़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.5 वर्ष पहले स्कूलों में पेयजल और शौचालय तक की व्यवस्था नहीं थी, सर्दियों में बच्चे ठिठुरते थे, हमारी सरकार ने बच्चों को बुनियादी व्यवस्थाओं के साथ साथ शिक्षा के स्तर को भी बेहतर बनाया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने लीक से हटकर काम किया और शिक्षक के सही स्वरूप को स्थापित करने में अपनी पूरी मेहनत लगाई, ऐसे ही शिक्षक हैं ललितपुर में महरौनी तहसील के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लखनलाल आर्य। लखनलाल आर्य केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रत्येक दिन बच्चों को सुबह 5 बजे से योगा, मार्शल आर्ट, संगीत आदि की अतिरिक्त कक्षाएं संचालित कर बच्चों को स्वस्थ बनाने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षक लखनलाल के इन प्रयासों के बाद विद्यालय की नामांकन संख्या जहां 25 थी आज बढ़कर के 125 हो गई है। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक लखनलाल आर्य ने शिक्षण कार्य के साथ साथ अपने 10 साल के सामाजिक सेवा कार्यों में अब तक 3000 से अधिक गरीब लोगों के परिजनों के मृत्यु भोज रोककर उसके स्थान पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कराकर मृतक आश्रितों पर जहां आर्थिक बोझ कम करने का काम किया है वहीं परिजनों की याद में पौधारोपण करवाकर पर्यावरण को सुधारने का काम भी कर रहे हैं। उनके स्कूल के बच्चे जूडो, कराटे, ऊंची कूद में सदैव प्रथम आने लगे हैं। दिसंबर 2005 से अध्यापन की सेवा शुरू करने वाले शिक्षक लखनलाल आर्य को NCERT 2016 के सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। शिक्षण संस्थान 2018 का सम्मान भी मिल चुका है। अभी हाल ही में सामाजिक सेवा कार्यों के लिए कैलिफोर्निया USA का नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क का विशेष सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। योगा, PT, सर्वांग व्यायाम कराया जाता है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमारा विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से कई अधिक अच्छा है और हमारे विद्यालय में जूडो, कराटे, संगीत पर सर्वांग सुंदर व्यायाम आदि सिखाए जाते हैं जिससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है और हमारा विद्यालय पर्यावरण से भरपूर। हमारा जो लक्ष्य है कि हमारे जो अति पिछड़ा क्षेत्र है महरौनी क्षेत्र, इसके बच्चे कक्षा, मंच और मैदान में सबसे आगे बढ़ करके समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। शिक्षा के साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज भी हों और बच्चे का शैक्षिक विकास के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए हमारे जिले के तमाम अच्छे शिक्षक हैं वो भी बराबर इसमें लगे हुए हैं। लखनलाल जी, हापुड़ में आज शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हापुड़ में विद्यालयों और जगह जगह शिक्षक दिवस पर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धासुमन अर्पित कर डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की फोटो पर फूल चढ़ाकर शिक्षक और छात्र शिक्षक दिवस मना रहे हैं। वहीं छात्र शिक्षक दिवस पर अपने शिक्षकों का सम्मान करते हुए उपहार के रूप में अपने शिक्षकों को पेन भेंट कर रहे हैं। हापुड़ के पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थित राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक दिवस पर छात्राओं ने पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। आज 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। आज के दिन उनका जन्म हुआ था और हम इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़ाई से बहुत प्रेम था। पूरे भारत में उन्होंने पढ़ाई फैलाई, प्राइमरी से हाई स्कूल तक उन्होंने बहुत कुछ किया है पढ़ाई के लिए। आज 5 सितंबर है, आज के दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन, क्योंकि उनका जन्म 1888 में हुआ था। ये एक शिक्षाविद थे, इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया, प्राइमरी लेवल से लेकर हायर लेवल तक बहुत काम किया। इसके अलावा
ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति चुने गए थे, द्वितीय राष्ट्रपति रहे। इन्हें सन 1954 में भारत सरकार ने भारत का प्रथम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति यही थे। हमारे स्कूल राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल में आज बच्चों के द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जो कि हमारे देश के भारत रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके जीवन का एक ही मकसद रहा, सिर्फ शिक्षा। शिक्षा के द्वारा ही विकास किया जाता है, ये बहुत पहले से जानते थे और वो मानते थे इस चीज़ को, तभी उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा को महत्व दिया। बच्चों के द्वारा तरह तरह के प्रोग्राम किए गए, पोस्टर बनाए गए, कार्ड्स मेकिंग की गई और एक्टिविटीज़ की गई। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया। यूपी के बांदा में एक बेहद पिछड़े गांव में एक ऐसा सरकारी विद्यालय है जो प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है। आपको बता दें कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए विद्यालय में कंप्यूटर, प्रयोगशाला और लाइब्रेरी सहित टीवी और सीसीटीवी सभी चीजें मौजूद हैं। इसके साथ ही विद्यालय की साफ सफाई और खेलकूद की उत्तम व्यवस्था देखकर आपको यही लगेगा कि आप किसी बड़े शहर के किसी प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं। और ये सब संभव हुआ है एक शिक्षक के प्रयास और सामुदायिक सहयोग से। विद्यालय की इस तस्वीर और बदलाव के पीछे यहाँ के प्रधानाध्यापक आशुतोष त्रिपाठी का अथक प्रयास और सामाजिक सहभागिता है, जिसने इस पिछड़े क्षेत्र में बने इस विद्यालय को नई पहचान दी है। आज पूरे जिले में लोग इस विद्यालय की चर्चा कर रहे हैं। सर, हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे स्कूल में बहुत सब सुविधाएं हैं, जैसे मतलब कंप्यूटर है और कैरम बोर्ड, सब कुछ खेलते हैं खाना खाने के बाद। और सर हमारे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमें, और सर हमें मतलब हर शनिवार को टेस्ट कराते हैं और जो कोई फर्स्ट आता है इनाम उसे देते हैं। सर कंप्यूटर पहले हमसे ही बनता था, मगर जब स्कूल में आ गए हैं तो बनने लगा है। सर हमारे विद्यालय में खूब अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छा लगता है हम लोग को स्कूल में बहुत, और जो हमारे सर हैं वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और सिखाते भी हैं। जैसे कि हम लोग को कोई चीज़ नहीं आती तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और जैसे कि हम लोग महीने में स्कूल आते हैं ज़्यादा तो हमको उसमें भी तोहफा मिलता है, जैसे कि पेन वगैरह सब मिलता है। सर हमें बहुत अच्छा लगता है स्कूल में, अगर हम लोग अगर घर भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम फिर से स्कूल जाएँ, हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। ये एक बाढ़ पीड़ित इलाका है और जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब यहाँ की स्थितियाँ इतनी बेहतर नहीं थी जितनी आज हैं, बच्चों की उपस्थिति भी उतनी नहीं रहती थी। फिर हम सब ने, स्टाफ ने ये तय किया कि बच्चे हमारे मूल तत्व हैं और इनको बेहतर करने के लिए सबसे पहले उनको मूलभूत चीज़ें देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सामुदायिक सहयोग मांगा, बहुत सारे लोगों से निवेदन किया कि हमारे विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम करें। उन्होंने हमारी बात पर भरोसा किया और आज हमने सामुदायिक सहयोग से संपूर्ण पूरी व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया है। बच्चों के लिए कंप्यूटर्स हैं, वाईफाई डिवाइस हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, हर कमरे में पंखे लगे हुए हैं। चूँकि विद्यालयों में कोई चौकीदार की व्यवस्था शासन द्वारा कहीं की नहीं गई है, इसीलिए हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं ताकि जब एमडीएम की व्यवस्था हो तो हम उसमें यहीं से ही देख सकें कि एमडीएम में क्या व्यवस्था बन रही है, कैसे मसाले पड़ रहे हैं। इसके अलावा जब हम विद्यालय में ना रहें तो विद्यालय में क्या चल रहा है, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है। आज बच्चियाँ जो कंप्यूटर नहीं जानती थी, इस गांव की बच्चियाँ आज सब कंप्यूटर डिवाइस पर काम करती हैं, वाईफाई पर काम करती हैं, यूट्यूब पर काम करती हैं, और आज बच्चों की उपस्थिति पूरे विद्यालय में बढ़ चुकी है। और हमारा सभी पूरे स्टाफ का प्रयास है कि आने वाले समय में हम बेहतर प्रयास कर सकें और उन बच्चों के लिए, इस गाँव के लिए कुछ कर सकें। कनवारा के कन्यापुरु माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्थाओं और यहाँ के अध्यापकों की तारीफ बांदा के जिलाधिकारी और बीएसए भी खुले मन से करते हैं। उनका कहना है कि आशुतोष द्वारा किया गया स्कूल का कायाकल्प वास्तव में काबिले तारीफ है और इसे नजीर बनाकर उन्होंने जनपद के बाकी विद्यालयों के अध्यापकों से भी अपील की है कि वो भी इससे सीख लें और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे टीचर्स में एक भावना पैदा हो गई है कि हमारे जो विद्यालय हैं वो अगल बगल या प्राइवेट विद्यालय से कम ना हो। ये जब उनके अंदर भावना पैदा हो गई तो वो जन सहभागिता से अपने इस विद्यालय को अच्छी तरह से बना रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे विद्यालय पूरे प्रदेश में हैं और ऐसे लोगों का चयन करके प्रदेश सरकार उनको पुरस्कार भी हर वर्ष दे रही है, जिससे ऐसी भावना को बढ़ावा मिले। नहीं नहीं, वहाँ पर है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कनवारा में, वहाँ के जो इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं श्री आशुतोष त्रिपाठी जी, उन्होंने हमें बताया था कि सर
हमें उसको वहाँ पर आईसीटी की व्यवस्था सुदृढ़ करनी है और विद्यालय को बेहतर से बेहतर बनाना। हमने काफ़ी इनकरेज किया उनको, ठीक है आप कीजिए, सामुदायिक सहभागिता से कीजिए, हम लोग से जो मदद होगी हम लोग मदद करेंगे। और उन्होंने विद्यालय को बहुत बेहतर बनाया है और काफ़ी अच्छी सुविधा, कई कंप्यूटर स्थापित कराया है वहाँ पे, और बाकायदे जो है सो वो QR कोड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लेटेस्ट जो मेथड है उसका यूज़ करके वहाँ पर बच्चों में शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, बहुत सराहनीय है। जम्मू कश्मीर में जनजीवन सामान्य हो रहा है और वहाँ पर अधिकतर टेलीफोन एक्सचेंजों ने काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार की रात से ही घाटी के ज्यादातर हिस्सों में संचार सेवाएं शुरू हो गई हैं। श्रीनगर के DM शाहिद चौधरी के मुताबिक घाटी के ज्यादातर टेलीफोन एक्सचेंजों ने बुधवार रात से ही वापस काम करना शुरू कर दिया है और इसी तरह से मोबाइल सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है। कुपवाड़ा में मोबाइल फोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया और असुविधाओं के लिए खेद जताया। मेरठ में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से गरीब परिवारों का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त किया जा रहा है। मेरठ के निजी KMC हॉस्पिटल में कैंसर पीड़ित उर्मिला भर्ती हुई, जिनका इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है। उर्मिला के दो बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है। बेटियां विवाह के बाद अपने घर चली गईं, जिससे उनके जीवन यापन में परेशानी आ रही थी। अचानक ही कैंसर की बीमारी का पता चला, पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रही थी। परंतु प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में ग्राम प्रधान द्वारा उसका गोल्डन कार्ड बनवाया गया। आज उर्मिला का इलाज निःशुल्क जा रहा है। वहीं अपनी पत्नी को लेकर आए सतपाल ने बताया कि उनके पूरे परिवार को गोल्डन कार्ड का लाभ मिल रहा है। आयुष्मान योजना की नोडल अधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 21,1400 लाभार्थी हैं। आयुष्मान लाभार्थी योजना के अंतर्गत जिले के 50 अस्पतालों को समृद्ध किया गया है, जिसमें 6 सरकारी भी शामिल हैं। वो जो है कैंसर के स्पोर्ट्स में लगे हैं, जिसका बहुत महंगा इलाज है। कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जो अन्य बीमारियां हैं जो भयानक है, जिसका बहुत महंगा इलाज है, करा गरीब आदमी नहीं करा सकते। इसलिए उन्होंने जो है इस कार्ड द्वारा ग्राम प्रधान ने बताया, और गांव में एक बाहर से लोग आए थे जो मोदी जी द्वारा उन्होंने हमें समझाया और बताया गया, तो गाँव के प्रधान ने हमें आयुष्मान कार्ड बनवाया, जिससे बहुत सहयोग मिला हमें। और इसे महंगे से महंगा ये जो इलाज है बहुत महंगा था, लेकिन हमारी माता जी का इससे इलाज चल रहा है। हमारे जैसे गरीब आदमियों का ऐसे अस्पतालों में इलाज हो रहा जी, नहीं तो हम इतना पैसा कहाँ से लाते। गोल्डन कार्ड जब अगर लाभार्थी बीमार पड़ता है तो मरीज की हालत में होता है, तो इन्हीं सभी एम्पैनल हॉस्पिटल्स में गोल्डन कार्ड ऑटोमेटिक अपने आप बन जाता है, लेकिन तब गोल्डन कार्ड बना के उसका प्रयोग रिकॉग्नाइज करने के लिए कभी कभी टाइम लग जाता है। तो समझदारी इसमें यही है कि हम गोल्डन कार्ड पहले बना के रख लें। जो गोल्डन कार्ड बनता है वो कोई गोल्डन नहीं होता, वो केवल सिंपल एक कागज़ होता है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं, तो वो जो हमारे जगह जगह कॉमन सर्विस सेंटर्स बैठे हुए हैं, जिसमें आप जानते हैं जहाँ पे आधार कार्ड वगैरह बनता है, वहाँ पे ये गोल्डन कार्ड्स बनवाए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी सरकारी एम्पैनल चिकित्सालय हैं या प्राइवेट एम्पैनल चिकित्सालय, वहाँ पे भी गोल्डन कार्ड्स बन जाते हैं। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए लाभार्थी को सुनिश्चित करना है कि वो कुछ कुछ कागज़ लेकर जाए, जिससे आसानी से उसके बन सकें। सबसे पहले तो जो हेड ऑफ द फैमिली है, जिसके नाम पे वो आयुष्मान योजना है, उसका होना ज़रूरी है, उसका कार्ड सबसे पहले बनाया जाता है। उसके बाद परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी का कार्ड बनाया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर लाभार्थी का नाम रमेश है तो उसका एक कार्ड बनेगा, उसके घर में अगर 8 मेंबर है तो उसके 8 के अलग अलग कार्ड्स बनेंगे। और अब अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। रूस और भारत की दोस्ती का नया आयाम, व्लादिवोस्तोक में 20वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर बनी सहमति, रक्षा परमाणु अंतरिक्ष के साथ बिजनेस टू बिजनेस कनेक्ट पर हुई चर्चा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज, शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है देश। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों को दी बधाई। शिक्षक कठिनाइयों का सामना करने वाले छात्र करें तैयार, लखनऊ में शिक्षक सम्मान समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने पर सरकार का है जोर।
और जम्मू कश्मीर में संचार सेवाएं हुई बहाल, ज्यादातर टेलीफोन एक्सचेंजों में काम शुरू, जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने की ओर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।